आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दुनिया भर में बढ़ रही महंगाई ग्लोबल के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी सिरदर्द बन गई है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच तेजी से चावल के दाम बढ़ रहे हैं। घरेलू और वैश्विक बाजार में पिछले 5 दिनों में चावल की कीमत में 10% की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल पड़ोसी देश बांग्लादेश ने आवश्यक वस्तुओं के आयात पर इम्पोर्ट ड्यूटी और टैरिफ को 62.5% से कम करके 25% कर दिया है। इसमें चावल भी शामिल है। इस वजह से घरेलू मार्केट में चावल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से एक बार फिर भारत से चावल के निर्यात पर रोक लगाने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। वित्त मंत्रालय के एक सूत्र के अनुसार मंत्रालय वास्तव में चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। आज बता दें कि सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय भारत से चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। हालांकि इस मामले पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि चावल के निर्यात पर किसी भी प्रतिबंध से उन देशों पर बहुत दबाव पड़ सकता है जो भारत से चावल के आयात पर आत्मनिर्भर हैं। इनमें नेपाल, फिलीपींस, कैमरून और चीन जैसे देश शामिल हैं। वहीं भारत फिलहाल उस दौर से गुजर रहा है जब बढ़ती महंगाई पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई को काबू करने के लिए भारत सरकार ने साल 2008 में गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध को सरकार ने 2010 में हटाया था। एक बार फिर से देश में महंगाई तेजी से बढ़ी है। इस कारण फिर से निर्यात पर रोक के कयास लग रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग के बाद से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इस वजह से पूरी दुनिया में कमोडिटी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। महंगाई पर काबू पाने के लिए भारत ने मई में गेहूँ के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि सरकार के इस फैसले पर कुछ एक्सपर्ट्स ने सवाल भी उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।